है, मुझे नहीं लगता ये ऑल स्किन टाइप, बट अगर आपका ऑयली स्किन है तो मैं नहीं मानती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद विजय। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं रिव्यू और डेमो शेयर करने वाली हूँ लैक्मे लूमी क्रीम का। ये क्रीम कुछ ऐसा दिखता है। सो इसमें लिखा है लैक्मे लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विथ हाईलाइटर, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज के साथ हाईलाइट भी करेगा एंड इसकी आपकी स्किन को 3D ग्लो देगा। ब्रिंगिंग टुगेदर द बेस्ट ऑफ स्किन केयर एंड मेक वेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है एंड आपकी फीचर्स को हाईलाइट करके इंस्टेंट ग्लो देगा और सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन एंड ऑल स्किन टाइप। वो हम देखेंगे कि ये सूटेबल है, कि जो क्लेम है वो राइट है और रॉन्ग है, देखते हैं। सो इसके जो इनर पैकेजिंग की बात करूं, ये ऐसा कुछ ट्यूब के पैकेजिंग में आता है, सेम जो आउटर पैकेजिंग की उसी की तरह इसका भी है। पिंक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में क्रीम आता है। बैक ऑफ द प्रोडक्ट के पीछे इसका सारा इंग्रेडिएंट एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ मेंशन है। नेट वेट भी इसका 30 ग्राम है। 299 में आपको इजिली प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाइका से लोगे तो अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। लैक्मे के आउटलेट में भी ये अवेलेबल है एंड अमेजोन में भी मिल जाएगा, बट अगर नाइका से लोगे तो बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है। मुझे भी लेने में बहुत टाइम लग गया, जब ये स्टॉक में आया तब मैंने ये क्रीम लिया और सोचा आपके साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। सो ये क्रीम जो है वो बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। इट्स लाइक अ स्ट्रोक क्रीम, स्किन को हाईलाइट देता है, नेचुरल हाईलाइटर आप इसको कह सकते हैं। मैं अपने हैंड्स में लगा के दिखाती हूँ। टेक्सचर जो है वो पिंक पिंक है और जब मैं लगाऊंगी इसको तो ये इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा स्किन में। इस हैंड को देखो, थोड़ा ड्राई लग रहा है, ये हैंड्स को देखो कितना ग्लो ग्लो कर रहा है। ओके, इसमें जो पार्टिकल है चंकी पार्टिकल, वो लाइक शिमरी पार्टिकल, वो थोड़ा थोड़ा विजिबल है। लाइक अगर मैं मिरर को सामने रखूंगी अपने फेस के सामने तो थोड़ा बहुत विजिबल होगा, कैमरा के सामने थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, बट उतना विजिबल नहीं है। लाइक बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप नहीं लगा सकते डे टाइम पे। डे टाइम पे आप इजिली इसको, डे टाइम को आप आराम से इसको लगा सकते हो अपने फेस में लगा के। अब देखिए कितना नेचुरल लग रहा है स्किन में, एकदम लग रहा है नेचुरल हाईलाइटर लगा हुआ है। और जिनको मेकअप नहीं पसंद है वो क्रीम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी स्किन ग्लो करेगी इंस्टेंट, आपका जो फेस है वो थोड़ा सा लाइक डूई टाइप का हो जाएगा। अब लैक्मे ने इस ब्रांड ने क्लेम किया था कि ये ऑल स्किन टाइप ऑल स्किन टोन के लिए, मुझे नहीं लगता ये ऑल स्किन टाइप और ऑल स्किन टोन के लिए है। मेरा स्किन ड्राई है, मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उसके बाद ही क्रीम लगा सकती हूँ, मेरे लिए सफिशियंट नहीं रहेगा ये। बट अगर आपका ऑयली स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है आप लगा सकते हो सिर्फ इसको और आपके लिए सफिशियंट रहेगा। एंड ऑल स्किन टोन तो मैं नहीं मानती इसको, क्योंकि इसका पिंक टिंट है। पिंक टिंट होने के चलते, पिंक टिंट जो होता है वो बहुत ज्यादा फेयरर लुक पे सूट करता है, और आपका अंडर टोन अगर येलो होगा तो आपको ये सूट नहीं करेगा, आपको पीच या गोल्डन टिंट चाहिए होगा। सो लैक्मे को इसको और वेरियंट पे लॉन्च करना चाहिए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एंड अफोर्डेबल भी है। सो इस क्रीम को मैं थम्स अप दूंगी एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसमें बनाना चाहिए। टिल देन बाय गाइज़।